श्री गुरु के चरणों में प्रणाम, आदि शक्ति माँ भवानी के प्रणाम, हरेंद्र भैया नंद लीलम दीदी के प्रणाम, प्रणाम के स्वीकार करे। साथ साथ सभी गुरु भाई गुरु बहना के चरणों को प्रणाम, प्रणाम के स्वीकार करे। देखिए गुरु भाई गुरु बहना, हम लोग जगत गुरु शिव के गुरु माने हैं। अब जो करेंगे गुरु वही करेंगे, चाहे अच्छा करेंगे या चाहे बुरा करेंगे। बुरा तो कभी नहीं करेंगे, इसलिए कि दुनिया का मालिक है। इनके नज़र में बूढ़ हो चाहे जवान हो, राजा हो चाहे रंत हो, चाहे फकीर हो, सब कोई बराबर इनके नज़र में है। हम लोग अपने अपने नज़र से भले कोई के नीच ऊँच ताकते हैं, बहुत ताकते हैं, लेकिन महादेव नहीं ताकते हैं। ये तो तीनों लोग के मालिक है, इन्हीं के जन्म दिया हुआ पूरा संसार है। धरती से लेकर आकाश तक, कीड़ा ले लेकर मकोड़ा तक, जीव से लेकर जानवर तक, सब कुछ इनके दिया हुआ है। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहना, हम लोग शिव के गुरु माने हैं और शिव गुरु के कहते हैं। जब दुख पड़ता है तो गुरु के जाके दरवाजा पर गिर के आह आह चिल्लाते हैं कि हे शिव गुरु, हमारे दुख दूर कीजिए। हम भी कह रहे हैं, हम भी एक महीना से बीमार हैं और बार बार अपने गुरु से अर्ज कर रहे हैं कि हे शिव गुरु, मेरा तबीयत ठीक कर दीजिए, मेरा तबीयत ठीक कर दीजिए। अब चाहे शिव गुरु तबीयत ठीक करे चाहे ना करे, लेकिन अपना गुरु के जो काम हम कर रहे हैं तो कर रहे हैं। कहा जाता है कि जान जाए तो जाए, बहुवचन न जाए। बहुवचन नहीं जाएगा, भले प्राण निकल जाएगा तो उसी दिन वचन छूट जाएगा, लेकिन जब तक ठीकरा में प्राण है बहुवचन नहीं जाएगा। प्राण जाए तो जाए, बहुवचन न जाए। अपने गुरु के तबीयत खराब है फिर भी अपने गुरु के कार्य में लगे हुए हैं। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहना लोग, गाजीपुर के बगल में कोई जौंगीपुर एक गाँव है और उस जौंगीपुर गांव में गुरबहना लोग आए थी। जौंगीपुर के लोग गुरबहना लोग हैं, गांवे गांवे जाके चर्चा करती हैं। आए थी गुरबहना लोग कोई अगल बगल वही गांव में चर्चा करने के लिए। गुरबहना घर है, चार गो गुरबहना मेन है। तो कहा किए कि भोग लगवाए, श्री गुरु के पूरा कलशा रखवाए, भोग लगवाए, काजू बर्फी मिठाई जितना फल फूल था भोग लगवाए और मुरही मंगवा लिए। मुरही भूंजा के मुरही बोलाता है, वो भूंजा मंगवा लिए मुरही, और लसीदाना मंगवा लिए, वो अलग रखवा दिए। भूंजा और लसीदाना अलग रखवा दिए। अरे सुनते रहिए गुरबाना लोग, और मंगवा लिए। खूब धूमधाम से बाजा गाजा लगा के खूब चर्चा किए और गुरबाना के बोले, गुरबाना आपका तो श्रद्धा है चर्चा कराने के लिए, लेकिन दिल में लालसा नहीं है। बोली क्यों, जो गुरबहना करा रही थी बोली क्यों, तो चढ़ावा जैसा चढ़ना चाहिए नहीं चढ़ा है। बोली कि काहे, 1000 रुपया ले चढ़ावा चढ़ा है काहे नहीं चढ़ा है। अरे इतने से होगा, इतना से कहा होगा, इतना तो गड़िया में तेलो नहीं डलाएगा, ऐसे कहा होगा। चार चार को हम लोग हैं, आप लोग के चार को साड़ी नहीं देना चाहिए। हम लोग का साया साड़ी ब्लाउज हम लोग चारों गुरु बहना के देना चाहिए। हम लोग के माने नौकर ओकर हैं कि वहाँ से आकर के यहाँ चर्चा करते हैं हम लोग हैं। तो आपका दिल में श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा रहता तो आप खुद चार गो साड़ी मंगा के हम लोग के गुरु बहना लोग के देते। गुरु बहना को बहुत दिल में चोट बैठा कि बताइए, जिसके घर चार गो गुरु बहना लोग चलती है 10 गो, कि अगर हमारे पास साड़ी नहीं रहेगा तो हम कहाँ से देंगे, तो शिव गुरु के चर्चा नहीं कराएंगे। तो उन लोग का बोल रहे हैं कि हाँ है तो कराइए, नहीं है तो मत कराइए, कहीं चर्चा कराइएगा। विचार कीजिए कि तब तो जिस गुरु बहना का चार गो साड़ी नहीं रहेगा, चार गो पेटीकोट नहीं रहेगा, चार गो ब्लाउज नहीं रहेगा, सिंगार के सामान नहीं रहेगा, तो चर्चा नहीं कराएगी। 1000-2000 रुपया शंकर जी के अथी पर रखने के लिए, जहाँ उनको तस्वीर सजा हुआ है फोटो, वहाँ रखने के लिए नहीं है पैसा, तो गुरबहना सही नहीं है। उनको मन में कपटी है, वो धर्म से चर्चा नहीं कराती, अधर्म से कराती है। सब गुरबहना मिल के उनको पूरा कोसती है कि चर्चा ढंग से नहीं करा रही है, इसको मन नहीं है, तो मनमौजी करा रही है, तो कपटी है, तो ऐसे है, तो ऐसे बताइए साहब। यही बात पर कहते हैं, एक बार कह रहे थे कि एक गरीब भीख मांगा राजा चर्चा करा रहे थे
कि सवा मन बर्फी के भोग लगा के चर्चा करते थे एक राजा साहब। अब बड़का तस्वीर शंकर जी के बनवा के वहाँ एक भीख मांगने वाला गया, भीख मांगा कटोरा ले ले, पूछा राजा साहब कितना का बर्फी के भोग लगाए हैं। राजा साहब उसको मुंह ताकने लगे कि भीख मांगा है हमसे पूछ रहा है कि कितना के, अरे हम सवा मन बर्फी के भोग लगाए हैं, तोरा ऐसे लेना देना। बोला हम भी चर्चा कराएंगे, हमको महादेव देंगे, हम भी इतने भोग लगा करके चर्चा करेंगे। वो या तो कह दिया, और ये इतना बड़ा तस्वीर कितना के बनवाए हैं। बोला राजा कह रहे तुम्हारा गांड में औकात है, तुम भीख मांग के खा रहा है, पूछ रहा कि कितना के तस्वीर बनवाए हैं, जो मांगो खाओ, तुमसे क्या सपरेगा। बोला काहे नहीं सपरेगा, हम भीख मांगा है तो नहीं सपरेगा, जरूर सपरेगा। और बेचारा पूछ करके चला गया, अपना दिल में सोचने लगा कि हम इतना बड़ा तस्वीर कहाँ से बनवाएंगे, अरे महादेव चाहेंगे तो हो जाएगा। फिर भी कह रहा है इतना सवा मन बर्फी हम कहाँ से पाएंगे। और साहब डिप्टी करके उस रास्ता से गुजर रहे थे, उस भीख मांगा के देखे थे साहब चर्चा में पूछते, और साहब पुल तर बैठा था भीख मांगा, उससे जाके गाड़ी रुकवा के साहब पूछे कि इधर आओ इधर आओ, तुमको क्या कराना है। तो उका जाना था कि हरेंद्रानंद है, हरा कि सर हमको भी लालसा है कि उतने बड़ा फोटो मढ़वा के शंकर जी के हम चर्चा करवाएंगे, और जितना राजा साहेब बर्फी के भोग लगाए हैं उतने हमू लगाने के लिए सोच रहे हैं। साहब बोले अरे मुरुख, कोई जरूरत नहीं है इतना बड़ा तस्वीर लगाने के लिए, कोई जरूरत नहीं है सावा मन बर्फी का भोग लगाने के लिए। तुम अगर सावा पाव भी ले आके भोग लगा दोगे, छोटे को फोटो लगा के गोड़ लाग लोगे, तो शिव गुरु तुम पर खुश हो जाएंगे। वो बोला सही सर, अत हाँ तुम लगाओ, हम आएंगे चर्चा करने के लिए। और साहब उसको समझाए, वो भीख मांगा के बेचारा के दिल में लालसा था, वो तस्वीर लाया, फोटो सवा पाउल बर्फी लाया, और खूब खुशी से चर्चा कराया, और बहुत खुश हो गया। तो गुरबहना लोग, जब हरिंद्रानंद साहब एक भीख मांगा को इतना साहस दे सकते हैं, और आप लोग एक इंसान औरत होकर के इस बात को नहीं समझ रही हैं कि कह रही हैं अच्छा, जबकि भोग लग गया, चर्चा होने लगा, सब कुछ खाया पिया लोग सब कुछ किया, और का किया कि जब विराम हुआ जौंगीपुर के गुरबहना गाजीपुर के बगल में, का किए कि जब विराम हुआ चर्चा, तो सारी जितना काजू किशमिश गड़ी छुहाड़ा मिठाई बर्फी था सब बटोर लिए चारों गुरबहना में, फिर सब बटोर लिए, अब बटोर के अपने झोला में साज लिए, और जो गुरबहना चर्चा कराई थी उनको भर गया खीस। वो बोली कि दीदी लोग इस प्रसाद जो चढ़ा हुआ है, गुरु के भोग लगा हुआ है, पूरा जितना गुरु भाई गुरु बहना आए हैं उसको हाथ में प्रसाद मिलना चाहिए। आप लोग पूरा प्रसाद बटोर के झोला में ले लिए, बोल रहे हैं कि हाँ हम लोग के हुआ, चारों गुरु बहना हम लोग बांट के खाएंगे, ये हम लोग के प्रसाद है, तुम लोग के लिए नहीं है। तुम क्या करो कि जो मुरी है भूंजा भूंजा लसीदाना बांट दो सब परिवार के, आज जितना गुरु भाई गुरु बहना आए हैं उसको बांट दो। बताइए विचार कीजिए, वो गुरबहना लोग उन संग लड़ गई पैसा के लिए, साड़ी के लिए, प्रसादी के लिए। वो गुरबहना बोली कि एक लालझारो दीदी हैं कि कितना सुंदर चर्चा में समझाती हैं, और कहती है कि ठगवा से बचिए और चोटा से बचिए, और किसी के पैसा देने के लिए आप लोग एथी मत कीजिए, किसी से मत, किसी के मत दीजिए पैसा, अपने आप मिल के चर्चा आप लोग कीजिए। कितना सुंदर लालझारो दीदी समझाती हैं, आप लोग चली हैं गर्दन काटने के लिए, तो उन लोग का बोल रही है कि लालझारो दीदी कहीं के अथी हैं, बाबा हैं का कि कहीं के नेता हैं कि उनका बात हम लोग मानेंगे, कहाँ है कि उनका बात मानेंगे, हम लोग लालझारो दीदी को कुछ नहीं समझते हैं। हाँ हम लोग पैसा लेंगे, हम लोग साड़ी लेंगे, हाँ हम लोग के हरेंद्रानंद बोले हैं कि पैसा लेंगे, साड़ी लेंगे, प्रसादी लेंगे, सब कुछ लेंगे, हाँ लालझारो दीदी लेखा हम लोग नहीं है, लालझारो दीदी जहाँ के हैं तहाँ के हैं, और जो हैं से हैं, हम लोग उनसे हम लोग के कुछ लेना देना नहीं। क्या समझाती है क्या नहीं समझाती है, विचार कीजिए।
जो अच्छा बात कहता है उसको लतहेर देती है गुरबाना लोग। बताइए गुरु भैया लोग कि सड़िया मांग मांग के किसी के करेजा दुखा के ले जाएगी आ पैसवा ले जाएगी किसी के कुहका के, तो वो जब मर के जाएगी तो उसका बेटवा उसका सवंगवा दे देगा कफनवा के साथ, नहीं देगा। लेकिन ये चीज है तो उसको भगवान के घर में लिखा गया पाप और पुण्य दोनों, कि किसी के पाप किया है पुण्य नहीं किया है, किसी के आत्मा पर ठेस पहुंचाई है, किसी को सुख नहीं दिया है दुख दिया है। और गुरबहना लोग हमसे बोलने लगी कि दीदी हम लोग यही के चलते चर्चा नहीं कराते हैं, दीदी कुहूँ कुहूँ रह जाते हैं कि गुरबहना लोग पैसा गुरु भाई लोग आते हैं तो 3,000-4,000 रुपया मांगते हैं, गुरबहना लोग आती है तो 3,000-4,000 मांगती है, साड़ी मांगती है, पैसा मांगती है, बढ़िया बढ़िया प्रसाद सब उठा के ले जाती है, हम लोग देती नहीं है, जीव हम लोग का छोटा हो जाता है, यही से चर्चा कराने के लिए मन में लालसा है, फिर भी हम लोग मटियाए हैं कि क्या हम लोग गुरु के करें क्या नहीं करें। और घोषणा कराई ऊपर से 100 रुपये ले रही हैं कि हाँ 100 रुपये हम घोषणा कराई लेंगे। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहना लोग लूटने वाले लूट ले, लेकिन संगे जाने वाला कुछ नहीं है, दांत चिपोर के प्राण चला जाएगा, सब धन ऐजे रह जाएगा, कुछ संग में जाने वाला नहीं है। तो करना है से कर ले छूट के दान पुण्य, नहीं तो एक दिन चला जाएगा दांत चिपोर के प्राण, कुछ काम में नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा काम में, यहाँ वहाँ दोनों से मारल जाओगी, यहाँ से भी मारल जाओगी और ईश्वर घर से मारल जाओगी। तो यहाँ और वहाँ दोनों के रास्ता बना लो दीदी, बना लो भैया, इसलिए कि हम लोग का संग में कुछ जाने वाला नहीं है। बेटा पतोह दुनिया जहान सब माया का जाल है, माया का नगरी है, आपका नोच के मांस खा जाएंगे फिर भी उसका पेट नहीं भरेगा, फिर भी उसके लिए कमी रहेगा, आपका हड्डी भी थूर के ले सकता है फिर भी उसको पेट नहीं भरेगा, तो काहे मरिएगा, अपने आत्मा को जियाइए, अपने जो बाल बच्चा है उसको करते धरते हुए गलत काम मत कीजिए, धर्म के काम कीजिए, कि कम से कम है यहाँ तो बाल बच्चा पोसे सब कुछ किए, लेकिन वहाँ के भी हमको रास्ता बनाना है तो बना लीजिए। अगर साहब का जिंदगी में नहीं बनाइएगा तो ऐसा गुरु बार बार नहीं मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे। इस बात को विचार कीजिए, किसी गुरु भाई गुरु बहना के दिल मत दुखाइए, कमाने खाने का छोड़िए। और कैसे तो खिस्सा में कहा जाता है कि मांगे भीख ना मिले, ना मांगे मिले मोती। दीदी लोग भैया लोग अगर ना मांगिएगा गुरु पर रहिएगा आपको मोती मिल सकता है, उसी दरबार से जिसके घर में गए हैं वो खुशी से 1,000 उठा के दे देगा। और दिल कुहका के अगर मांगिएगा 2,000 तो ये पैसा फलेगा नहीं, ये पैसा बेकार चल जाएगा। हम लोग अपने गाँव में देख रहे हैं कि जिस गुरबाना जितने ही काम धांधली वाली कर रही है, मांग के खा रही है, उसको डहका रही है, उसको घर में कला के कोई ठीक नहीं है, उसका घर में परेशानी के कोई ठीक नहीं है, एकदम बेचैन है, कभी सुखी नहीं है। तो आप सुखी नहीं रहिएगा, किसी को रोवा मत तुरिए और शांति से गुरु का चर्चा कीजिए, जो मिल रहा है हाथ पसार के ले लीजिए, छोड़िए मत, लेकिन किसी को दिल कुहका के मत मांगिए। अगर वो हीरा उठा के दे देता है तो ले लीजिए, लेके खा लीजिए, घर पर ले जाइए, अगर नहीं देता है तो उसको दिल कुहका के मत मांगिए। बस हम यही कहेंगे कि 3 सूत्र आप लोग तन मन से कीजिए, धन से सब कुछ मिल जाएगा, धन और मन ज्ञान बुद्धि शिवलोक और इस धरती पर के जन सुख है सब आपको मिलेगा, लेकिन सब्र से रहिएगा तब, सब्र से ना रहिएगा तो कुछ नहीं मिलेगा। तो प्रेम से दया मांगिए, नमः शिवाय कीजिए, घर में रहिए दीदी लोग भैया लोग, साहब का वाणी का कम से कम सुनिए आप लोग, दिल में बसाइए, उनका उनका बात पर चलिए, उनका बात पड़ा रहिए, उनका बात के लंघन मत कीजिए। ना तो देखिए बनला के यार लोग बहारता है, बिगाड़ला के कोई नहीं बहारता है, बिगड़ जाइएगा तो साहब कहते हैं कि जब महादेव नहीं सुधार सकते हैं, संभार नहीं सकते हैं, तो हमारा गाड़ी में का औकात है, खुद साहब कहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, हम नहीं संभारेंगे। जब बाढ़ टूट जाता है तो महादेव नहीं रोक सकते हैं, तो हरेंद्र के औकात का है कि हरेंद्र रोकेगा, समझेगा अपना जो बाढ़ तुरा है, तो बाढ़ तुरिएगा तो समझिएगा हरेंद्र उसमें क्या करेंगे और गुरु क्या करेंगे और हम क्या करेंगे। जब हमारा अपने पेड़ का छाह नहीं है तो हम दूसरा के का छतर छाह करेंगे। तो दीदी लोग हम यही कहेंगे कि मेरा बात का सुनिए समझिए, दुख मत मानिएगा, इस बात को मानिए और साहब का वाणी के समझिए, उनका दिल का दर्द के बुझिए,
कितना दर्द में साहब घरी है अपने शीश भाई शीश बहना के लिए रात दिन अपने गुरु से प्रयास कर रहे हैं कि हमारे गुरु भाई गुरु बहना का कोई तरह का दागी ना लगे, हमारे गुरु भाई गुरु बहना संसार में चक चक रहे। कम से कम आप लोग उनका बात के मानिए, उनका दर्द के बुझिए, यही कह करके हम अपने वाणी गुरु के चरणों में रख रहे हैं।